Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you all in the subject hydraulic and pneumatic control systems. Our today's chapter is directional control valves, Disha Niyantrak Valve. In the last section, we have viewed hydraulic control valves. हमने पिछली वीडियो में द्रवी नियंत्रक बाल्ब के बारे में जाना था. इस भाग में हम दिशा नियंत्रक बाल्ब या डायरेक्शन कंट्रोल बाल्ब्स के बारे में जानेंगे. हालांकि हमने डायरेक्शन कंट्रोल बाल्ब्स का एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट लास्ट वीडियो में देखा था. इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी डायरेक्शन कंट्रोल बाल्ब्स या दिशा नियंत्रक बाल्ब, जिसमें कि दो कैटेगराइज दो रूप में किया है. ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. इसमें हम देखेंगे टू पोजिशन डायरेक्शन कंट्रोल बाल्ब्स, जिसमें क्या आएगा 2x2, 3x2, 4x2, 5x2. आप देख रहे हैं हर एक के नीचे 2 है. पहला वाला फिगर जो है नंबर ऑफ पोर्ट्स बताता है, जबकि दूसरा वाला फिगर जो है वो नंबर ऑफ पोजीशंस. तो नीचे वाला जो है 2x2, 3x2, 4x2, 5x2, दैट मींस 2 पोजीशंस. अब इस 2 की जगह पर जो सेकंड फिगर है वो 2 की जगह पर यदि 3 हो जाए तो वो 3 पोजीशंस डीसी वाल्व कहलाएगा. 4x3 वे 5x3 वे डीसी कंट्रोल बाल्ब्स. तो हम आज के इस वीडियो में इन बाल्ब्स के बारे में डिटेल में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डायरेक्शन कंट्रोल बाल्ब्स. यहाँ पर हम जो पिछली वीडियो है उसी को समराइज करेंगे, उसी से हम शुरुआत करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन कंट्रोल बाल्ब्स आर स्पेसिफाइड बाय फॉलोइंग टर्म्स. दिशा नियंत्रक बाल्बों को निम्नलिखित पद से निर्दिष्ट किया जाता है. दिस इज ए बाय बी, ए स्लेश बी, जिसको पढ़ा जाता है ए बाय बी वे डीसी बाल्ब्स. यहाँ पर ए जो है वो नंबर ऑफ कनेक्शन या पोर्ट है, बी नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ बाल्ब्स है. पोर्ट्स के बारे में हमने जाना था, एक स्क्वायर में बॉटम में और अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं और उसमें पोर्ट होते हैं. जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, इसमें नीचे जो है वो पी पोर्ट है. दिस इज कॉल्ड पावर पोर्ट. और ये वर्किंग एलिमेंट या एक्चुएटर, जो कि लीनियर हो सकता है, रोटरी हो सकता है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर या मोटर, उसका पोर्ट है ए. तो इसमें दो ही पोर्ट हैं. यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि नीचे की लाइन में जो पोर्ट होंगे वो तीन हो सकते हैं मैक्सिमम, एक पावर पोर्ट और दो एग्जास्ट पोर्ट, जिनको हम पी आर ओ टी से लिखेंगे. आर ओ टी एग्जास्ट पोर्ट है, पी पावर पोर्ट. जबकि ऊपर वर्किंग एलिमेंट के होंगे जो कि बाई डायरेक्शनल में ए और बी हो सकते हैं. तो यहाँ पर टू पोर्ट में एक पावर पोर्ट है और एक ऊपर की ओर वर्किंग है, तो ये टू पोर्ट है. जबकि थ्री पोर्ट में हम देखें तो बॉटम में आप देख रहे हैं स्क्वायर के बॉटम में दो पोर्ट हैं, पी और आर. पी फॉर पावर, आर फॉर एग्जास्ट पोर्ट, और ए वर्किंग एलिमेंट पोर्ट है. तो ये जो लाइन बता रही है कि अभी पावर पोर्ट जो है ए से कनेक्ट है, जबकि एग्जास्ट जो है वो बंद है, आर बंद है. हमने बताया था फिर इसके बाद टू पोर्ट हो गया, थ्री पोर्ट हो गया. फोर पोर्ट पे बात करें तो फोर पोर्ट में नीचे आप देख रहे हैं पी और आर हैं, एक पावर और एक एग्जास्ट, जबकि ऊपर ए और बी पोर्ट हैं वर्किंग एलिमेंट के. पावर पोर्ट जो है वो वर्किंग एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, जबकि वर्किंग एलिमेंट से रिटर्न जो आ रहा है वो एग्जास्ट में जा रहा है. फाइव पोर्ट में बात करें तो इसमें एक पावर पोर्ट है और दो आपके एग्जास्ट पोर्ट हैं. इसमें आप देखें कि जो पावर पोर्ट है वो आपका बी से जुड़ा है, जबकि ए जो है वो आपका एग्जास्ट से है, इसके बाद फिर एस भी एग्जास्ट ही है. नंबर ऑफ पोजीशंस की बात करें तो ये जो स्क्वायर बने हुए हैं, अभी एक ही स्क्वायर बना हुआ है, ये आपको नंबर ऑफ पोर्ट बताने के लिए है. बट ये कई हो सकती है इनकी पोजीशंस, बट जनरली दो पोजीशन यूज़ की जाती हैं, टू पोजीशन नंबर वन एंड नंबर टू स्क्वायर्स. यानी नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होते हैं, वर्गों की जो संख्या होती है, वो पोजीशन बताती है. तो ये टू पोजीशन और बॉटम वाला जो है वो थ्री पोजीशन. तो अब आपको एक्चुअल बल्ब्स जो होते हैं हम उसके बारे में देखें. यहाँ पर देखिए आप एक्चुअल बल्ब्स, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल बल्ब है. ये 2x2 वे बल्ब है. इसमें आप सिंबल देखिएगा, सबसे पहले इसमें सिंबल में दो स्क्वायर बने हुए हैं. पहले स्क्वायर में पी और ए है, दूसरे में भी पी और ए है. यानी एक स्क्वायर में जो रहता है वही यहाँ भी दिखाया जाता है, केवल कनेक्शन में अंतर आता है. पहले में ये दिख रहा है कि पी और ए के बीच कनेक्शन नहीं है, ब्रेक है, जबकि सेकंड वाली पोजीशन में पी से ए है. तो यानी इनिशियल पोजीशन जो इसकी है वो क्या है, बाल्ब क्लोज है. यहाँ पर देखिए आप,
ये स्पूल है, स्पूल कहलाता है। हमने बल्ब के बारे में पढ़ा था कि पपेट टाइप और स्पूल टाइप। पपेट में बॉल या कोन होता है, जबकि इसमें एक इस तरह का शेप होता है। आप इसमें देखिए कि यहाँ से पी से कोई एंट्री नहीं हो पा रही है इस बल्ब में, और लाइकवाइज पोर्ट ए की तरफ कुछ जा ही नहीं पा रहा है। तो ये हमारा कहलाता है 2x2 वे डीसी बल्ब। इसमें देखिएगा आप, यहाँ पर हमारा एक एक्चुएटर मैकेनिज्म है जिसको हम पुश बटन बोलेंगे, जिसका सिंबल यहाँ पर दिखाया गया, पुश बटन है ये। ये पूरी बल्ब की बॉडी है, इसको सिलेंडर नहीं बल्ब की बॉडी कहते हैं। दिखता सिलेंडर पिस्टन टाइप का है, लेकिन ये बल्ब की बॉडी है। इसमें बोर है और इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसको हम स्पूल कहते हैं। और रिटर्न दबाते समय तो आप प्रेस करेंगे जब एक्चुएट करेंगे, लेकिन वापसी में ये स्प्रिंग के कारण अपने बैक आ जाएगा। तो यहाँ पर दो एक्चुएटिंग मैकेनिज्म है, एक है मैनुअल जो देख रहे हैं पुश बटन, और दूसरा है रिटर्न स्प्रिंग। अब जैसे ही आपने इसको पुश किया ये एरो के थ्रू, तो आप देख रहे हैं कि स्पूल जो है आपका आगे की ओर मूव हो गया है और स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो गई है यहाँ पर। ये आप देखेंगे यहाँ पर, मैं बताता हूँ आपको कि ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो गई है और स्पूल आपका यहाँ से मूव हो गया है। तो पावर पोर्ट से जो भी फ्लूड आएगा, फ्लूड आपका कंप्रेस्ड एयर भी हो सकती है या फिर प्रेशराइज फ्लूड इन केस ऑफ हाइड्रोलिक, तो ये सीधा ए में जाएगा। तो ये बल्ब ओपन बाय एक्चुएशन। तो ये यहाँ पर सिंबल हम ये यूज़ करेंगे और बल्ब हमारा ये है। तो अब इसको हम जब देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप तो इसका सिंबल सबसे पहले बताया गया। ये देखिए, ये आपका सिंबल है। एक तरफ आपका पुश बटन लगा हुआ है, दूसरी तरफ आपका स्प्रिंग है, और जहाँ पर हम अल्फ़ाबेट या नंबर लिखते हैं वो हमारी इनिशियल पोजीशन मानी जाती है, न्यूट्रल पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन। तो हमारी नॉर्मल पोजीशन या न्यूट्रल पोजीशन जो उदासीन अवस्था या सामान्य अवस्था है, उसमें बोथ पार्ट्स आर क्लोज्ड, दोनों पार्ट्स बंद हैं। और ये जो है इसमें पुश बटन ऑपरेटेड विथ स्प्रिंग रिटर्न, तो इसमें पुश बटन से आप प्रेस करेंगे और स्प्रिंग से अपने आप रिटर्न होगा। एक्चुअल में देखिए आप, ये जो बल्ब आप देख रहे हैं, जो सिंबल हमने यूज़ किया है वही यहाँ पर है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पावर पोर्ट क्लोज है और ये जो इसके अंदर जो फ्लूड जाने वाला है वो भी क्लोज है। अब जैसे ही आप इसको ऑपरेट करेंगे, तो एक्चुएटिंग पोजीशन देखिए आप, एक्चुएटेड पोजीशन में आप देखेंगे जो कार्यवस्था है, फ्लो फ्रॉम पावर पोर्ट टू द एक्चुएटर पोर्ट, यानी शक्ति पोर्ट जो पी है आपका, उससे अब आपका जो जोड़ करके ये कहाँ की ओर जा रहा है, देखिए आप पावर पोर्ट की ओर जा रहा है। यानी यहाँ पर एक्चुएट करने पर जो फ्लूड है आपका, प्रेशराइज फ्लूड है, वो आपके जो एक्चुएटर है, यहाँ पर एक्चुएटर है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, तो इसमें जा रहा है। तो ये हमारा कहलाता है 2x2 बे डीसी बल्ब या डायरेक्शन कंट्रोल बल्ब। नेक्स्ट हम देखेंगे 3x2 बे डीसी बल्ब। अब इसमें लिखा नहीं है, आप खुद आसानी से समझ सकते हैं कि जहाँ पर पहले लिखा है मतलब वो क्या है आपका, ये वाला जो लिखा है इसका मतलब क्या है आपका, सिंबल है। इसमें पी पोर्ट ये है, ये आर पोर्ट है और ए अभी आर से कनेक्ट है, यानी कि जो सिलेंडर है हमारा उसका ए पोर्ट जो है वो किससे कनेक्ट है, एग्जास्ट से, जबकि पावर पोर्ट हमारा जो है वो बंद है। ये हमारी नॉर्मल पोजीशन है। अब हम इसको एक्चुएट करें, पुश बटन को जैसे ही दबाएंगे तो हम पोजीशन में आएंगे कि पी हमारा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा ए से। तो ये देखिए पावर पोर्ट सीधा आपका सेकंड पोजीशन में ए से कनेक्ट हो रहा है और एग्जास्ट जो है आपका बंद है। ये हमारी एक्चुएटेड पोजीशन है। यानी जब भी हम बल्ब को बनाते हैं, सिंबल बनाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो सिंबल है, जहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं या नाम लिखा हुआ है, वो उसकी अगर एक सिंबल बना है तो वो उसकी न्यूट्रल पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन या उदासीन अवस्था या सामान्य अवस्था है, और दूसरी पोजीशन तब आएगी जब हम इसको ऑपरेट करेंगे एक्चुएटिंग मैकेनिज्म, जो कि यहाँ पर पुश बटन है। तो फिर वो दूसरी पोजीशन आ गई, तब ये नंबर यहाँ लिख दिए गए, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग सिंबल यूज़ कर रहे हैं आपको बताने के लिए। बट सर्किट में हम एक ही बनाते हैं और जिस पर हम नंबर या अल्फ़ाबेट लिखते हैं वो हमारा इनिशियल पोजीशन हो जाता है। अब इस समय चूँकि पोजीशन है आपका कि ए जो है वो सीधा आप पावर पोर्ट जो है वो आपका एरो ऊपर की तरफ है और ये सिलेंडर के अंदर फ्लूड जा रहा है, और जबकि एग्जास्ट आपका बंद है। तो ये 3x2 बे डीसी बल्ब है, क्योंकि इसमें तीन पोर्ट दिए हैं, पी फॉर पावर, आर फॉर एग्जास्ट और ए फॉर वर्किंग एलिमेंट। अब हम देखते हैं 4x2। 4x2 में देखिएगा आप, अब आपको मैं एक और टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। जब पिस्टन हमारा हेड की तरफ आता है, यानी रिट्रैक्टेड पोजीशन कहलाता है या बैकवर्ड स्ट्रोक कहलाता है, जबकि यदि हम इसको आगे की तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पर अब हम इससे कोई भी लोड ले सकते हैं, किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं किसी चीज़ को, तो ये हमारा कहलाता है एडवांस पोजीशन।
इनिशियल पोजीशन आप देखें इसमें, इस बाल में जो देख रहे हैं आप पी सिंबल नीचे, तो पी जो है पावर पोर्ट जो है वो बी से कनेक्ट है, जबकि ए पोर्ट जो है वो आपका एग्जास्ट से कनेक्ट है इनिशियल में। तो ये देखिए पावर पोर्ट जो है आपका बी से कनेक्टेड है, जब प्रेशर यहाँ से लगेगा तो ये रिट्रैक्टेड पोजीशन कहलाएगी, और जैसे ही आप इसको पुश बटन को ऑपरेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर पोर्ट जो है वो ए से कनेक्ट हो जाएगा, तो फ्लूड सिलेंडर के अंदर जाएगा और पिस्टन रॉड जो है वो बाहर की ओर आएगी, यानी लोड होगा, इसको हम एडवांस पोजीशन बोलेंगे। तो ये हमारा था 4x2। 4 किस लिए, क्योंकि इसमें चार पोर्ट हैं, कौन कौन से, पी आर ए और बी यहाँ पर सिंबल में बने हुए हैं, और 2 इसलिए क्योंकि इसमें दो ए स्क्वायर बने हुए हैं, 4x2 बे डीसी वाल्व। अब हम देखते हैं 5x2। 5x2 में आप देखेंगे, 5x2 में आप जो देख रहे हैं 4x2 में जैसे दो आपके वर्किंग एलिमेंट थे, तो इसमें वर्किंग एलिमेंट दो ही रहेंगे ए और बी, लेकिन यहाँ पर आप एग्जास्ट पोर्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्जास्ट पोर्ट में एक तो पावर पोर्ट है जो ब्लू कलर से है, और दो जो हैं वो आपके एग्जास्ट पोर्ट कहलाएंगे, आर और एस। तो सिंबल में ये बने हुए सिंबल, जस्ट उसके नीचे एक ही सिंबल यूज़ कर रहे हैं हम, सर्किट में एक ही होता है, तो इसलिए इसको दूसरी तरफ नहीं बनाया गया है। नॉर्मल पोजिशन इसकी जो बता रही है वो ये बता रही है कि पावर जो है वो बी की तरफ है। देखिए आप इसमें आप देखेंगे कि जो पावर पोर्ट है वो बी की तरफ है, यानी पिस्टन जो है रिट्रैक्टेड या बैकवर्ड पोजीशन पर है, वापसी या पीछे की ओर है, जबकि जो यहाँ से हेड की तरफ से जो आ रहा है फ्लूड वो एग्जास्ट हो रहा है। एग्जास्ट की बात करें तो यदि एयर होगी तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाएगी, और यदि ऑयल होगा तो उसको हम रिटर्न ले करके और अपने सब टैंक में ले जाएंगे। तो ये हमारा था नॉर्मल पोजीशन। अब देखिए आप जैसे आपने इस पुश बटन को ऑपरेट किया, तो ऑपरेट करने से क्या होगा, सेकंड वाली जो पोजीशन है वो हमारी एक्टिव हो जाएगी, जिसमें कि पावर पोर्ट जो है वो कहाँ जाएगा, सिलेंडर हेड की तरफ, यानी कि हमारा पिस्टन जो है एडवांस या फॉरवर्ड होगा, अग्रिम या आगे की ओर होगा, और रिटर्न में जो बी से जो अभी फ्लूट था वो वापस आ करके यहाँ पर से एग्जास्ट हो जाएगा। तो एग्जास्ट पोर्ट दो इसलिए हैं कि एक ए के लिए है और एक बी के लिए है। ये हमारा 5x2 बे डीसी वाल्व कहलाता है। अब हम आते हैं 3 पोजीशन में। आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि 4x3 वे डीसी वाल्व को आप डिस्क्रिप्शन करें, उसका फिगर बनाएं, उसका वर्णन करें। तो इसको मैंने काफ़ी डिटेल में लिया इस वीडियो में। ये एक्चुअल में सर्किट आपको दिखा रहा है, ये हाइड्रोलिक का सर्किट है, यानी कि इसमें यहाँ पर ये क्या हो गया, अपना टैंक हो गया, यहाँ पर पंप से आपका फ्लूड आएगा, तो एक पोर्ट पी, फोर पोर्ट होंगे, एक पोर्ट होगा पी और एक पोर्ट होगा आपका टी फॉर एग्जास्ट। वर्किंग एलिमेंट के दो पोर्ट होंगे ए और बी। आप देख रहे हैं ए जो है सिलेंडर हेड की तरफ है, जबकि बी जो है पिस्टन रॉड की ओर है। तो अब इसमें द 4x3 वे डीसी वाल्व रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व विथ 4 पोर्ट्स एंड 3 पोजीशंस। ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखना है। फिगर आप भले ही सर्किट वाला बना दें, ये एक्चुअल सिंबल यूज ना करें, सर्किट बना दें तो भी काम चल जाएगा। तो 4x3 बे बाल्ब एक दिशा नियंत्रक बाल्ब है जिसमें 4 पोर्ट्स एवं 3 स्थितियां होती हैं। 4 पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, पावर पोर्ट होता है या शक्ति पोर्ट पी, एग्जास्ट या निकास पोर्ट टी, और डबल एक्टिंग एक्चुएटर होता है, द्वि कार्यकारी गतिदायक होता है जिसके पोर्ट्स होते हैं ए और बी। इसी को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आता है। ये फिगर जहाँ से लिया उसका सोर्स लिखा हुआ है नीचे। आइए अब फ्लूड कैन फ्लो, फ्लूड प्रवाह हो सकता है फ्रॉम द पंप टू द एक्चुएटर। पंप से कहाँ जा सकता है, ये एक्चुएटर में। कैसे जा सकता है, पी से ए की ओर या पी से बी की ओर। अभी आप देख रहे हैं पी से कहाँ जा रहा है, ये बी की ओर, तो ये वाया पाथ पी ए और पी बी। और ऐसा भी हो सकता है कि अब एक्चुएटर से वापस कहाँ आएगा, एग्जास्ट में, फ्रॉम द एक्चुएटर टू द टैंक। ये जो आपका टैंक बना हुआ है जिसको अपन एग्जास्ट बोलते हैं, वाया पाथ या तो ए से टी, जो अभी आप इस सर्किट में देख रहे हैं कि ए से क्या हो रहा है, ये सम्प में आ रहा है, एग्जास्ट में आ रहा है, और या फिर पोजिशन चेंज हो जाएगी तो ये वापस बी से भी आ सकता है। नॉर्मल पोजिशन देखिए आप, नॉर्मल पोजिशन जो बताई गई है अब इसमें सिंबल पर गौर करिए आप, ये 4x3 क्यों है इस पर बात करें आप। इसमें आप देखेंगे 4x3 में कि पोर्ट दिए हैं 4, पी टी ए बी। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि इनको हम नंबर से भी बता सकते हैं। यूजुअली हम जो लिखते हैं ओड नंबर नीचे लिखते हैं, 1 नंबर पोर्ट हमारा एक्सक्लूसिव होता है,
पावर के लिए, 3 और 5 जो होंगे वो हमारे टी और एस के लिए, चूंकि ये 4 पाई है, 5 बाई में एक और एस जुड़ जाएगा तो 5 नंबर हो जाएगा। और ये जो हमारा है ए और बी, यहाँ पर इवन नंबर लिखे जाते हैं ऊपर, तो ए को हम 2 देते हैं और बी को हम 4 देते हैं। ये हमारे नंबर सिस्टम भी है और अल्फ़ाबेटिकल भी है। इसमें यदि ये फिगर बना हुआ है सिम्बॉल में, एक पुश बटन है, स्प्रिंग है और 3 पोजिशन है, तो इसको हम 3 पोजीशन में कैसे ऑपरेट करेंगे? यूजुअली इसके लिए लीवर यूज़ किया जाता है, यहाँ पर पुश बटन भी है। लीवर का मतलब आप समझिए, जैसे हम 4-व्हीलर में गियर्स चेंज करते हैं, उस तरह का लीवर रहेगा, न्यूट्रल पोजीशन रहती है एक हमारी। तो यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं ये हमारी न्यूट्रल पोजीशन है, या सामान्य अवस्था में हम यहाँ रहेंगे, जिसमें कि चारों पोर्ट जो है वो क्लोज है, कहीं से कहीं की ओर फ्लो नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल पोजीशन कहलाएगी। अब ऑपरेटेड पोजीशन 2 हो सकती हैं इसकी, फर्स्ट गियर और सेकंड गियर जैसे हम डालते हैं, फर्स्ट में डालेंगे तो ये वाली पोजीशन हो जाएगी, जिसमें कि पी किससे कनेक्ट हो जाएगा, बी से, और ए कनेक्ट हो जाएगा आपका टी से। और सेकंड पोजीशन आपकी हो सकती है पी किससे कनेक्ट हो जाएगा आपका, इसमें देखें ए से, और बी किससे कनेक्ट हो जाएगा आपका टी से। यहाँ पर देखिए आप, अभी जो है न्यूट्रल पोजीशन इसकी बताई गई है नॉर्मल पोजीशन के लिए। नॉर्मल पोजीशन के लिए जो फिगर बनेगा, एक्चुअली नॉर्मल सामान्य अवस्था है नॉर्मल के लिए, नॉर्मल में आपने देखा चारों पोर्ट बंद है। देखिए ये पी पोर्ट है, इसमें स्पूल के 2 हिस्से रहते हैं, तो ये दोनों हिस्से आप देख रहे हैं नॉर्मल पोजीशन में, ए और बी को इन्होंने बंद करके रखा है, पी से फ्लूड आ रहा है लेकिन किसी भी पोर्ट में नहीं जा रहा है, लाइकवाइज ए और बी से कोई भी एग्जास्ट में नहीं जा रहा है। तो यानी पी भी बंद है, टी भी बंद है, ए भी बंद है, बी भी बंद है, तो ऑल पोर्ट्स आर क्लोज्ड, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल पोजीशन। तो ये हमको 4x3 वे डीसी वाल्व के डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले 4x3 वे डीसी वाल्व क्या होता है, इसमें कितने पोर्ट होते हैं, इसमें पोजीशन 3 होती हैं, जिसमें कि पंप जो है, फ्लूड जो है वो पंप से एक्चुएटर की ओर जा सकता है या एक्चुएटर से सम्प की ओर आ सकता है, बस यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आइए इन तीनों पोजीशन की हम बात करते हैं। ये जो 3 पोजीशन है इनको हम बोलेंगे सेंट्रल पोजीशन, लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन। देखिए आप सेंट्रल पोजीशन में देखिए आप क्या हो रहा है, ये हमारा स्पूल है, इसने ए और बी को बंद करके रखा है, इसलिए पी और टी भी बंद हो गए, ये दिस इज आवर नॉर्मल पोजीशन या न्यूट्रल पोजीशन। अब हमने इसको ऑपरेट किया, इसको हमने क्या किया, टुवर्ड्स लेफ्ट इसको पुश किया। टुवर्ड्स लेफ्ट पुश करने से क्या हुआ कि बी से जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है आपका, टी में, तो जो बी से आ रहा है वो आपका जाएगा टी में, और जो पी है वो आपका कहाँ जाएगा, पावर से कहाँ जा रहा है, ए में। या फिर हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आप ये हो सकता है कि अब हमने इसको राइट पुश कर दिया तो सेकंड पोजीशन हो जाएगी कि पी से जो जाएगा वो आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं पी से कहाँ जा रहा है, ये बी में, तो ये पी से जाएगा बी में, और ए से जो आएगा वो कहाँ जाएगा आपका, सम्प में, ए से कहाँ जाएगा, सम्प में। तो लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन, तो इस तरीके से तीनों पोजीशन के फिगर हमको बनाना होंगे। तो इस प्रकार से 4x3 डीसी वाल्व को मैंने काफ़ी डिटेल में लिया है, क्योंकि परीक्षा में ये अधिकांशतः यही आता है कि 4x3 वेट आपने बता दिया तो फिर आपको मतलब ऐसा माना जाता है कि अब आप किसी भी डीसी वाल्व को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 4x3 डीसी वाल्व में, ये सर्किट आप भले ही ना बनाएं, ये आपको समझाने के लिए बनाया गया ये वाला सर्किट, बट लिखेंगे ज़रूर, और आप उसकी जगह पर सिम्बॉल यूज़ कर लेंगे। तो सिम्बॉल यूज़ करेंगे तो उसमें आप क्या बता देंगे, पावर पोर्ट बताएंगे, नॉर्मल पोजीशन बताएंगे, नॉर्मल पोजीशन में पावर पोर्ट क्लोज है, एग्जास्ट पोर्ट क्लोज है, ए पोर्ट क्लोज है, बी पोर्ट क्लोज है, और लेफ्ट और राइट पुश बटन। पुश बटन का यहाँ पर सिंबल है, लेकिन यूजुअली लीवर यूज़ किया जाता है, जिससे कि लीवर को हम फर्स्ट गियर और सेकंड गियर टाइप में हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद एक फिगर आपको ये ज़रूर बनाना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला आप नया बनाए तो भी चलेगा, ये आपको समझाने के लिए बताया, बट ये तीनों पोजीशन के लिए आपको बताना पड़ेगा कि जो हमारी वर्किंग होती है 4x3 वे डीसी वाल्व और इस प्रकार से होती है, और इसको आपको परीक्षा में लिखना भी होगा, मतलब वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा। जैसे वर्ड्स में मैं बोल के बताऊँ अभी आपको कि सेंट्रल पोजीशन नंबर 1 आप लिख लें, इसके बाद फिर लिखें कि इस पोजीशन में चारों पोर्ट क्लोज होते हैं, ये वाला सिंबल देखिए, पी टी ए बी, मतलब किसी भी पोर्ट से कहीं पर कोई फ्लो नहीं है, आप ये फिगर ना बनाएं। अब आप देखें लेफ्ट पोजीशन में जब आप जाएंगे तो पावर पोर्ट कनेक्ट होगा ए से, देखिए पावर पोर्ट किससे कनेक्ट है आपका, ए से, फिगर मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, और बी पोर्ट जो है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, टी से, ये आपकी हुई पोजीशन। इसके बाद आप देखें
कि जब आपने इसको लेफ्ट की तरफ किया तब ये हुआ, अब राइट मतलब लेफ्ट की तरफ आपने किया तो ये वाली पोजीशन मतलब ये वाला पोजीशन सर्किट में आ गई। जैसा मैंने बताया कि आपने ये जो फिगर में नंबर जहाँ लिखे हैं मतलब वो इस समय एक्टिव है, इस पोजीशन में बीच वाली पोजीशन में था तो ये एक्टिव था, जब आपने लेफ्ट की ओर पुश किया तो आपका ये वाला पोजीशन जो है वो एक्टिव हो गया है। अब राइट की तरफ यदि पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ए जो है वो आपका टी की तरफ आएगा और पी से फ्लो जो होगा वो बी की तरफ। इस प्रकार से आपको इसके बारे में लिखना भी होगा। तो ये हमारा था 4/3 वे डीसी वाल्व। यूजुअली यही क्वेश्चन आता है, इसको समझने के लिए हम सारे तरह के वाल्व पढ़ लिए हैं, बट कोई और भी आ जाए तो आप उसका डिस्क्रिप्शन अब आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम 5/3 वे डीसी वाल्व की ओर बात करें। थ्री पोजिशन वाल्व्स हैव अ नॉर्मल सेंट्रल पोजिशन दैट इज सेट बाय स्प्रिंग और विथ अ मैनुअल कंट्रोल सच एज लीवर। सिंपल सी बात है, ये लीवर देखिए मैंने बता दिया, ये लीवर है, लीवर को अब आप ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें कितने होते हैं, यूजुअली जो सेंट्रल पोजिशन होती है वो आपकी न्यूट्रल पोजिशन होती है। द फ्लो पैटर्न इन द सेंट्रल पोजिशन वेरीज विद द टाइप। अब इसमें टाइप के ऊपर निर्भर करता है कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। थ्री स्थितियाँ वाल्वों में केंद्रीय स्थिति सामान्य स्थिति होती है जो कि कमानी अथवा उत्तोलक लीवर, कमानी मतलब स्प्रिंग और लीवर के द्वारा चलाई जाती है। केंद्रीय स्थिति प्रवाह पैटर्न के अनुसार बदलती है। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। देखिए इस बाल में आपको देखने में तीनों एक जैसे लग रहे हैं, ऐसे माइन्यूट डिफरेंस देखिए। कभी कभी ये देखिए सिंबल में क्या यूज़ कर रहा हूँ, कभी कभी होता क्या है कि नंबर भी नहीं लिखे रहते और आपको अल्फ़ाबेट भी नहीं होते, लेकिन एरो बने होते हैं। अगर ये एरो फुल होते तो काय के लिए होता, वो हाइड्रोलिक के लिए। ओपन एरो क्या बताते हैं, अपने न्यूमेटिक सर्किट है। तो यहाँ से कंप्रेस्ड एयर अंदर की तरफ जा रही है, मतलब ये वाला कौन सा हो गया आपका पावर पोर्ट। यहाँ से बाहर आ रही तो ये कौन सा हो गया एग्जास्ट, ये भी कौन सा हो गया एग्जास्ट। और ऊपर के दो हम जानते हैं कौन से होते हैं, ये ए और बी पार्किंग। तो जब सर्किट में ये भी हो सकता है कि सिर्फ एरो बना हो, आप उसका मतलब समझ लें। इसमें स्प्रिंग जो है दोनों तरफ लगेगी क्योंकि लेफ्ट में भी है और राइट में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं और ये लीवर रहेगा। अब पहली परिस्थिति इसकी ये हो सकती है कि सभी पोर्ट्स बंद हों। तो सभी पोर्ट्स आप देख रहे हैं इस केस में सभी बंद है। यहाँ पे बताया था आपको कि दे मे बी आर थ्री टाइप्स, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला प्रकार हो सकता है ऑल पार्ट्स सील्ड, सभी पोर्ट्स क्या हैं आपके बंद हैं। दूसरी पोजिशन ये हो सकती है कि आउटलेट टू एग्जास्ट सप्लाई सील्ड, यानी कि जो पावर है वो आपका सील्ड है, वो बंद है, लेकिन जो ए है वो आपका एग्जास्ट हो रहा है, बी है वो भी आपका एग्जास्ट हो रहा है, यानी कि आउटलेट टू एग्जास्ट, सारा का सारा जो फ्लूड है आपके एग्जास्ट वाल्व में जा रहा है। एग्जास्ट यहाँ पर हम देखें न्यूमेटिक में तो क्या होगा आपका, थ्रू साइलेंसर बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाएगी एयर, और जबकि प्रदाय आपका बंद है। इसका हम देखें तीसरी संभावना और क्या हो सकती है कि सप्लाई टू आउटलेट्स, यानी ए से आप पंप से क्या कर रहे हैं कि दोनों ए और बी दोनों को ही आप यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, ये ए को भी है बी को भी है, ये पोजीशन भी हो सकती है। नॉर्मली तो पहली पोजीशन है बट ये भी संभावना हो सकती है, जबकि एग्जास्ट पोर्ट आपके नॉर्मल पोजीशन में बंद है, बाकी की पोजीशन आपकी सेम है। तो यानी कि सेंटर पोजीशन अभी हमने पढ़ी, हमने 4/3 में क्या पढ़ा था कि सेंटर पोजीशन नॉर्मल पोजीशन, फिर इसके बाद क्या पढ़ा था हमने लेफ्ट, और ये सेंटर पोजीशन पढ़ी, फिर लेफ्ट और राइट। यहाँ पर हमने सेंटर पोजीशन में ही तीन वैरायटी देख ली हैं कि ये तीनों वैरायटी भी हो सकती है कि सभी पोर्ट बंद हों, या आउटलेट पोर्ट जो है एक्चुएटर के वो कहाँ जाए एग्जास्ट में, या फिर निर्गम को प्रदाय जो है और निकासी क्या हो बंद, एग्जास्ट बंद हो और ए और बी को आप सप्लाई दे रहा हो। तो ये 5/3 वे डीसी कंट्रोल वाल्व और उसकी पोजीशंस हैं। आइए अब हम इसको आगे और देखते हैं 5/3 वे को। 5/3 वे की नॉर्मल पोजीशन देखिए, अब वो तो हमने बता दी तीन हो सकती हैं, यहाँ पर हमने सेंटर लिया है कि ऑल पोर्ट्स क्लोज। तो ये देखिए पावर भी बंद है, आर और टी भी बंद है और ए और बी भी बंद है, तो मतलब देखिए आप ये वाली पोजीशन कहलाएगी आपकी नॉर्मल पोजीशन, यानी इस समय सिलेंडर जो एक्चुएटर है वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। अब इसकी फर्स्ट ऑपरेटेड पोजीशन हो सकती है सेकेंड, लेफ्ट या राइट भी बोलते हैं, या फर्स्ट या सेकेंड भी। आइए अब हम फर्स्ट ऑपरेटेड पोजीशन में देखें। फर्स्ट ऑपरेट पोजीशन में देखिए, अब आपके नंबर जो है यहाँ पर जो सेंटर में लिखे थे, ये जो सेंटर में लिखे थे वो अब कहाँ आ गए आपके, ये देखिए यहाँ लेफ्ट में आ गए, मतलब अब पावर पोर्ट आपका किससे कनेक्ट हो गया, इसमें पावर पोर्ट किससे कनेक्ट हो गया ए से, और बी किससे कनेक्ट हो गया
आपका एग्जॉस्ट है और दूसरा एग्जॉस्ट जो है वो बंद है। ये देखिए आप, ये पोजीशन आ गई आपकी फर्स्ट। अब सेकंड ऑपरेटेड पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली, वो देखिए आप, वो वाला फिगर देखिए आप। इस पोजीशन में आप देख रहे हैं कि जो ए पोर्ट है वो आपका एग्जॉस्ट में है, पावर पोर्ट आपका बी की ओर है, जबकि दूसरा एग्जॉस्ट जो है वो बंद है। ये देखिए आप, ये सिंबल्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो हमने अभी तक के वीडियो में ये देखा कि टू पोजीशन में कैसे ऑपरेट होते हैं पुश बटन से, थ्री पोजीशन में यूजुअली लीवर यूज किया जाता है, जब हमने 5/3 में देखा है पुश बटन भी कर सकते हैं आप यदि दो बार वो ऑपरेट होता हो, और उनमें जो पोजीशंस हैं सेंटर की पोजीशन भी तीन प्रकार की हो सकती है, उसके आधार पे हमने अभी देखा ये वाली पोजीशन जो थी हमारी वो कौन सी थी, सेंट्रल ऑल पोर्ट्स क्लोज। अब आइए अपन समरी में देखते हैं। तो इस प्रकार हमने समरी में जो देखें कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, 2x2 डीसी बाल, मतलब ये इनिशियल पोजीशन क्या है क्लोज और बटन दबाया ये, इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं 2x2 डीसी बाल में आप देखते हैं ये ऑन ऑफ स्विच की तरह होता है, ऑन ऑफ स्विच जैसे हमारे घरों में स्विच होता है लाइट के लिए, बंद कर दिया तो कुछ भी नहीं और यदि आपने चालू कर दिया तो चालू हो गया वो। 3x2 डीसी बाल में तीन पोर्ट हैं पी टी और ए और दो स्क्वायर हैं, तो थ्री पोर्ट्स और 2x डीसी बाल। 4x2 डीसी बाल में क्या होगा, चार पोर्ट होंगे पी टी ए और बी, इसकी दो पोजीशन होंगी यानी पी बी से कनेक्ट रहेगा या ए से कनेक्ट रहेगा। 4x3 डीसी वाल में आप देखिए यहाँ पर अब स्क्वायर तीन हो गए हैं आपके, सेंटर पोजीशन जो है वो क्या है ऑल पार्ट्स क्लोज, लेफ्ट है पी आपका ए की ओर है और बी टी की ओर है, जबकि राइट पोजीशन में आप देखें पी जो है बी की तरफ है और ये वाला बी आपका टी की तरफ है एग्जॉस्ट की तरफ। और 5x3 में भी आप देखिए तीन स्क्वायर्स हैं, तीनों की साइज सेम होना चाहिए स्क्वायर्स की। अब इनमें तीनों में पाँच पाँच पोर्ट हैं लेकिन जो इनिशियल पोजीशन है वो इसकी क्या है ऑल पार्ट्स क्लोज, लेफ्ट करेंगे तो ये वाला कनेक्शन मिल जाएगा, राइट करेंगे तो ये वाला कनेक्शन मिल जाएगा। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में 2x2 डीसी वाल्व पढ़ा, 3x2 डीसी वाल्व के बारे में जाना, 4x2 डीसी वाल्व के बारे में जाना, 4x3 डीसी वाल्व के बारे में काफ़ी डिटेल में जाना कि हमें कैसे लिखना है, कैसे चित्र बनाना है, आप सिंबल के द्वारा बनाएं, एक्चुअल फिगर आपको समझाने के लिए लगाए हुए थे, और 5x3 डीसी वाल्व भी देखा। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में किसके बारे में जाना, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी फ्लो कंट्रोल वाल्व्स, प्रवाह नियंत्रक वाल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।